भैया कैसन बा? एकदम ठीक बा ना? राज ठाकरे जी को जानते हैं? राज ठाकरे तो यूपी वाले सब जानते हैं। हाँ राज ठाकरे ना, अभी यूपी जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। ना प्रॉब्लम है उनका, कुछ यहाँ हो नहीं रहा है तो बोले चलो मंदिर वंदिर घूम के आ जाए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वहाँ जाए बहुत अच्छा मान आदर सम्मान होगा। माफी मांगना चाहिए, मांग के चले जाओ। अपन आता चाहता ताबड़तोप तोंडात बोळा कुंभावा। राम राम मंडळी, चला अयोध्या। आता कसली गंमत आहे बघा, काही वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशचे लोक येतात म्हणून लय विरोध झाला, आंदोलन सुद्धा झाली। मात्र आता महाराष्ट्रातील राजकीय नेते कुठे चाललेत? उत्तर प्रदेश म्हणजे अयोध्याला। राजसाहेब ठाकरे यांचा सुद्धा दौरा आहे आता अयोध्याला। पण अयोध्या दौरा म्हणजे काय सोपा नाही त्यांच्यासाठी। तिथले भाजपचे खासदार काय म्हणले माहितीये का? माफी मागा नाहीतर पायसुद्धा ठेवू देणार नाही। आता उत्तर प्रदेशचे लोक विरोध करायला लागलेत, पण महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबईमध्ये जी काही उत्तर प्रदेशचे लोक आहेत त्यांना राजसाहेब ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याबद्दल काय वाटतं ते आपल्याला जाणून घ्यायचंय। मग येत आहे माझ्यासोबत। अरे चला, राज ठाकरे जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर, मुंबई के बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी आप मुंबई में 34 साल से रह रहे तो जानते ही ना भाई। अरे अभी टीवी में तो देखते रहते हैं, नाम सुनते हैं। अरे राज ठाकरे तो यूपी वाले सब जानते हैं। क्या बताऊं उनके बारे में यार, पहले तो ये स्पीकर हटाओ, ये हटाओ, हटाओ। बहुत अच्छे आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। राज ठाकरे साहब ना? राज साहब ठाकरे। हाँ राज साहब ठाकरे ना, जानते हो? हाँ जानते हैं। क्यों जानते, कैसे जानते? भैया भगाओ अभियान से, भैया भगाओ अभियान से सब जानते हैं। क्या अभियान? क्या था भैया लोग को भगाओ यूपी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छे वहाँ उसको। आप डर रहे हो क्या? जी नहीं, डरते नहीं है। वो तो आप लोगों का बहुत विरोध कर रहे थे जब आप यहाँ पे आए थे। तो विरोध करने दो यार ना, विरोध करने से क्या होता है। और भगाने की तो भैया लोग न रहे तो इतना मेहनत मजदूरी कोई नहीं कर सकता है। एडजस्ट करते हैं लोगों को, कर रहे तकलीफ दे रहे, अपने अच्छा नहीं लगता ना। वो यूपी का रहें दो या किधर का भी रहें दो, हर देश एक ही है। यूपी हो, ये महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, कहीं का भी। अभी वो जा रहे हैं यूपी अयोध्या के लिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वहाँ जाए बहुत अच्छा मान आदर सम्मान होगा। अच्छी बात है ना भाई, कम से कम अब दिमाग उनका ये हो गया, अच्छा हो गया तो अच्छा जाना चाहिए। तो इन लोग को वहाँ भगा रहे थे ना, इसके लिए अभी अच्छे हो गए तो अच्छा दिमाग लेके जाना चाहिए। अरे यार मेरे को कुछ बोलने को नहीं। अरे राज साहब, अरे ये इसे सुनिए। अरे कौन वाला समझ? अरे यार अच्छा है ना? अच्छा अच्छा है। अभी यूपी जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, अच्छा है। राजनीति के लिए कर रहे, इसमें किसको भी आप पूछेंगे तो बताएगा राजनीति के लिए कर रहे। कहना यही कि जाएं वहां और विकास का काम करें और सबको हेल्प करें। उनका कुछ यहाँ हो नहीं रहा है तो बोले चलो मंदिर वंदिर घूम के आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ, यही मैं आपको बोल रहा था कि भगवान है सबको शुद्ध बुद्धि देवे, क्या मतलब वो अच्छे से सब मंदिर वंदिर घूम के जरा अच्छे हो जावे तो उनका दिमाग सही चलने लगेगा। और हमें भी हेल्प करें, मैं शिवा हूँ, अगर मैं वो मुझे हेल्प करेंगे तो मैं बहुत बड़ा हीरो बन जाऊँगा। और अमिताभ बच्चन जी से एक बार मिला दें, बस यही तो कहना चाहता हूँ। आपके वहाँ के जो MP है ब्रजभूषण, वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे उत्तर प्रदेश के लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक पाँव रखने नहीं देंगे, वो बोल रहे हैं। नहीं क्यों नहीं पाँव रखने देंगे, उनको बोलने दो, एक जन बोलने से क्या होता है। अभी तुम आज ये मुद्दा लेके जा रहे, कल वो अपने अपने लिए सब कर रहे हैं तुम। अब वो लोग राजनेता लोग हैं, ये गलत, वो सोचना उनका काम है, अपना लोग का। अब भाई वो तो नेता मंत्री, उनकी बातें वो जाने, हम गरीब आदमी क्या जानेंगे। बड़े बड़े लोग की बड़ी बात है भाई, अच्छी बात है, माफ़ी मांगना चाहिए, मांग के चले जाओ। बघितलं मंडळी, महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याबद्दल काय बोलले? कोणी म्हणलं माफी मागायला पाहिजे, कोण म्हणलं हे राजनीती कर रे, तर कोण म्हणलं देवदर्शन को जा रे, हे तो जाने दो। मात्र काही असेल मंडळी, मात्र राज ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा राजकारण तापवणार असणार हे मात्र नक्की। कॅमेरामॅन राकेश साळसकरसह मी मुस्तान मिर्झा, मुंबई तक।